सो हेलो स्टूडेंट्स लेट अस मूव विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर एट आई थिंक क्वेश्चन नंबर एट का हमने डी uh, पार्ट कर लिया था अब इसका जे पार्ट कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑफ इंडीसीज फॉर द प्राइम 17 विद रिस्पेक्ट टू परमेटिव रूट फाइव अब परमेटिव रूट फाइव के अनुसार आपने 17 का टेबल तैयार करना है और उस टेबल की हेल्प से फिर आपने इस कॉन्गोडेंसी को सॉल्व करना है तो देखते हैं ज़रा कैसे किया है देखिए ज़रा फिर वही सेम चीज़

फाइव की पावर वन इज कमर टू फाइव फाइव की पावर टू इज कनोर टू पच्चीस आया ना पच्चीस को सतारह से डिवाइड मिल रहा है आठ फाइव की पावर थ्री और फाइव की पावर थ्री को सॉल्व नहीं करना है जो प्रीवियस आपने निकाली उनकी हेल्प से तो फाइव की पावर थ्री का मतलब फाइव की पावर टू इंटू फाइव की पावर वन कितना होगा गया फोर्टी फोर्टी को सेवनटीन से डिवाइड किया रिमाइंडर आया सिक्स और जैसे फाइव की पावर फोर निकालनी तो फाइव की पावर फोर निकालने के कई तरीके हैं या तो फाइव की पावर थ्री को फाइव की पावर वन से गुणा कर दो या इसी का स्क्वायर कर दो वापा है तो मेरे ख्याल से फाइव की पावर थ्री को फाइव की पावर वन से गुणा करके ज्यादा छः पाँच तीस तीस को सतारह से डिवाइड के तो मिल रहा है थर्टीन और इसी तरीके से फिर बाकी वैल्यू निकालनी है आपने ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ठीक है जी जैसे मान लो फाइव की पावर फिफ्टीन निकालनी तो फाइव की पावर फिफ्टीन निकालने के तेरा सो मैनी सो मैनी स्टेप्स ऑप्शन जैस जैसे फाइव की पावर फोर्टीन को फाइव की पावर वन से मल्टीप्लाई कर लो है ना फाइव की पावर फाइव को फाइव की पावर सॉरी uh, फाइव की पावर 11 को फाइव की पावर फोर से मल्टीप्लाई कर लो जैसे फाइव की पावर टेन को फाइव की पावर टेन को फाइव की पावर फाइव से मल्टीप्लाई कर लो ये आपने देखना है कि मतलब आपको फाइव की पावर फिफ्टीन चाहिए तो फाइव की पावर फिफ्टीन निकालने के लिए पीछे कैलकुलेशन निकाल चुके हैं आप निकाल चुके हैं उनको यूज़ करके वी कैन फाइंड द रिमाइंडर बाई डिवाइडिंग द नंबर बाई सेवनटीन जैसे ये बना फिर आपने बनाया इंडेक्सन टेबल इंडेक्स टेबल बनाने के लिए क्या करना है ये लेना है पूरा एज इट इज सीक्वेंस में आपको तो सिक्सटीन, और एंड ए फिर नीचे लिखना है आपने एंड ए कैसे लिखने हैं फाइव की पावर सिक्सटीन, फाइव की पावर सिक्सटीन, ठीक है मतलब ये वन का वो बन रहा है जो 5 की पावर 16 तो 5 की पावर पावर जो 5 की पावर आएगी वो यहां लिखनी है उन पावर के अनुसार जो वैल्यूज आएंगी उनको यहाँ लिखना है तो मैंने पहले वैल्यूज लिख दी सीक्वेंस में फिर उसके अनुसार आपने यहाँ फाइव की पावर लिखनी है अब देखना टू जो वैल्यू आई वो फाइव की किस पावर के लिए आई थ्री वैल्यू जो आ रही है वो फाइव की किस वैल्यू के लिए आ रही है फाइव की किस पावर के लिए आ रही है फोर वैल्यू जो आ रही है वो फाइव की किस पावर के लिए 5 आ रही है फाइव वैल्यू आ रही है जो फाइव की किस पावर के लिए आ रही है सिक्स वैल्यू जो आ रही है वो फाइव की किस पावर के लिए आ रही है यू कैन चेक इन द टेबल एंड सोन तो ये आपका बन जाएगा इंडेक्स टेबल अब इस इंडेक्स टेबल की हेल्प से आपने इस कॉन्ग्रुएंसी को सॉल्व करना है तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस कॉन्ग्रुएंसी देखिए जरा ये कॉन्ग्रुएंसी लेके चले टेकिंग इंडेक्स जैसे इंडेक्स लिया तो इमीडिएट देखो जरा जो प्रोडक्ट है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा जो पावर है वो जो पीछे आ जाएगी तो एट इन एक्स की पावर फाइव बन गया इंडेक्स एट पैर में आर लगाना लगाओ नहीं लगाना मतलब आर मीन्सिट मतलब इंडेक्स एट प्लस फाइव टाइम इंडेक्स एक्स कॉनगुल टू इंडेक्स टेन मॉडलो सेवनटीन का बन जाएगा फाइव और मेरा काम खत्म अब आप इस इंडेक्स टेबल को यूज करो इंडेक्स एट इंड इंड एट की वैली देखो ज़रा इंड एट कहाँ पर है इंड एट इंड में एट पुट करना है, एक वैली एट पुट रखनी इंड एट इंड एट की वैली आई टू आगे टू एज इट इज इंड टेन एक वाली टेन रखना तो टेन कितना सेवन तो ये मैंने सेवन रख दिया यहाँ पे मॉडलो फाइव ऑफ सेवनटीन होता है, ठीक है, जी? होता है और उसके बाद आप इसको सॉल्व करो अब टू को तो फाइव इंडेक्स इक्वल टू फाइव 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 कैंसिल हो गया तो इंडेक्स इज कनग्रेंट टू तो वन मॉडलो अब आपने देखना ये ये इंड एक्स जो है ये एक्स का इंड जो है वो वन के कन्ट आ रहा है एक्स का इंड जो, जो है वो के इंड एक्स जो है वो जो है वो वन के कनग्रेंट आ रही है तो ये इंड वैल्यू वन किस एक आ रही है फाइव के लिए आ रही है, रही है। इसका मतलब ये एक्स जो किसके कन्ट होगा फाइव के कन्ट होगा तो ये देखिए जरा आगे दिस एक्स इज कन्ट टू फाइव मॉडलो फाइव हट जाएगा सेवनटीन तो सॉल्व इट तो सेवनटीन डिवाइड एक्स माइनस फाइव दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू बिलोंग्स टू जेड सो दिस इज दूशन जो एच पार्ट है उसमें यह पूछा हुआ है कि अगर एक्स स्क्स के कन्गोरेंट है तो चलते हैं नौ इट इज गिवन एक्स स्क्सोर मॉडलो पी सो बाईल सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इट हैज ए सोल्यूशन तो आयलर क्राइटेरिया से इसका पास सोल्यूशन होगा कब होगा इफ एंड ओनली माइनस वन की पावर पी माइनस वन बटा डी कॉन्गोर टू वन मॉडल पी दिस इज बिकॉज ऑफ आई लर सी पार्ट पार्टर डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ टू कॉमा पी माइनस वन एंड दिस इज़ इक्वल टू ठीक है जी उसके बाद इफ एंड ऑनलिफ माइनस वन की पावर पी माइनस वन बटा डी कॉन्गोर टू वन मॉडलो पी अब ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा माइनस वन की पावर ये 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 रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब पी माइनस वन बट टू इवन होगा इवन होगा तभी वन ये कॉन्ग्रेंट होंगे आपस में ठीक है तो पी माइनस वन बाई टू अगर इवन है तो दिस इज टू का मल्टीपल से के जिसका मतलब इफ एंड ऑन इफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया फोर के पी माइनस वन इक्व टू फोर के तो पी इज इक्व टू फोर के प्लस वन सो पी इज कन्ग्रेंट वन मालो फोर उसी तरीके से इसने के पार्ट पूछा है के पार्ट में पूछा है इसने पार्ट इज इंपोर्टेंट पार्ट ये पूछा है इसने कि प्रूव करिए एक्स थ्री कन्को थ्री मॉडल नाइनटीन इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है लेकिन एक्स थ्री टू इलेवन मॉडलेंस एक्स की हमने प्रूव करना है कि इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं वी नो बाई क्राइटेरियन वो part, इसी पार्ट इसी क्वेश्चन का सी पार्ट इफ पी इज ए प्राइम सच दैट जी सी डी ऑफ ए कॉमा पी इक्वल टू वन देन द कॉन्ग्रेंस एक्स की पावर के कॉन्गोर टू ए मॉडल ऑफ पी हैज़ अ सल्यूशन इफ एंड ओनली इफ ए की पावर पी माइनस वन बटा डी कॉन्गोरेंट टू वन मॉडल पी वे डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ के कॉमा पी माइनस वन अब करो करो जरा कंपेयर अब इस इस कॉन्गोरेंसी के अनुसार ए की वैल्यू तीन सॉरी पी की वैल्यू नाइनटीन ए की वैल्यू तीन और के वैल्यू भी तीन तो डी निकाल लो डी क्या था के और पी माइनस वन की जी सी तो के कितना है तीन पी माइनस वन हो गया अठारह तो डी आ गया तीन तो इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की पावर थ्री कॉन्गोरेंट थ्री मॉडलो नाइनटीन हैज़ अ सोल्यूशन इफ़ एंड इफ इसके पास अगर सोल्यूशन होगा तो ए तो की पावर पी माइनस वन बटा डी तो थ्री की पावर अठारह बटा तीन वन के कॉन्गोरेंट आना चाहिए मतलब थ्री की पावर सिक्स वन के कन्ग्रेंट आने चाहिए अगर थ्री की पावर सिक्स वन के कनग्रेंट आ गई तो इसका मतलब इसके पास सोलूशन होगा तो अब चेक करते हैं जरा थ्री की पावर सिक्सटीन थ्री की पावर सिक्स थ्री की पावर वन इज कनग्रेंट टू थ्री थ्री की पावर टू इज टू नाइन है ना थ्री की पावर थ्री थ्री की पावर थ्री देखिए जरा थ्री की पावर थ्री कन्ग्रेंट टू एट और अल्टीमेट थ्री की पावर सिक्स इज कन्न टू सेवन इसका थ्री की पावर सिक्स वन के कन्वरेंट नहीं आई इसका मतलब इस कॉन्ग्रेंसी के पास कोई भी सोलूशन नहीं होगा दूसरा पार्ट देखो x पावर थ्री टू इलेवन नाइनटीन ए की वैल्यू इलेवन के डी निकालिए डी आ गया थ्री एक्स की पावर थ्री कन्ट टू ग्यारह अ उन्नीसूशन इफ एंड ऑन इफ क्या होगा इलेवन की पावर ए की पावर पी माइनस वन बटा डी वन के कॉन्ग्रेंट आना चाहिए मतलब इलेवन की पावर सिक्स वन के कनग्रेंट आने चाहिए अगर इलेवन की पावर सिक्स वन के कनग्रेंट आ गई तो इसके पास सोल्यूशन होगा तो देखिए इलेवन की पावर वन इज कनग्रेंट इलेवन इलेवन की पावर टू इलेवन की पावर टू का मतलब वन ट्वेंटी वन को नाइनटीन से डिवाइड किया रिमांडर आया सेवनटीन सॉरी सेवन इलेवन की पावर थ्री मतलब दोनों साइड इलेवन से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ आ गया सेवनटी सेवन सेवनटी सेवन को नाइनटीन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया वन तो इसका मतलब इलेवन की पावर थ्री वन के कनगुरेंट आ गई फिर दोनों साइड स्केर कर दिया तो इलेवन की पावर सिक्स इज कॉन्गोरेंट टू वन इसका मतलब दिस कॉन्गोरेंसी हैज अ सोल्यूशन एंड इट हैज थ्री इन कॉन्गोरेंट सोल्यूशन एक तो इसके पास सोल्यूशन होंगे और वो तीन होंगे तो दिस इज द क्वेश्चन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पी पार्ट उसमें क्या किया उसने इंडेक्स टेबल बना के दे रखा है खुद दे रखा उसने इंडेक्स टेबल और बोडा कि इस इंडेक्स टेबल की हेल्प से आपने इस से पहले आपने चेक करना है, कि इसके है कि नहीं। और सोल्यूशन के लिए दिसल्ट बाई आइलर क्राइटेरियन तो कंपेयर दिस बाई दिस की वैल्यू आ गई सेवनटीन ये आ गया तो डी आ गया फोर इसका मतलब

तो थर्टीन की पावर स्केर इसको स्केयर कर दो फिर से तो थर्टीन थर्टी पावर थ्री निकालने की जरूरत ही नहीं है इसका फिर से स्केयर करो स्केर करेंगे तो थर्टीन तो के मतलब, पावर फोर इस कनगुरेंटू वन इसका मतलब थर्टीन पावर फोर कन्गुरेंट टू तो वन इसका मतलब इस कॉन्गोरेंसी के पास सोल्यूशन है अगर सोल्यूशन है फिर आपने इंडेक्स थ्री लगा दोनों साइड इंडेक्स लगाया तो बन गया ट्वेल्व इंडेक्स एक्स कन्गोरेंट टू इंडेक्स थ्री थर्टीन मॉडलो सिक्सटीन ठीक है जी फिर जो आपको टेबल दे रखा है उस टेबल से इंडेक्स थर्टीन की वैल्यू निकाल ली फोर नाउ यू कैन चेक इंडेक्स 13, इंडेक्स ये रहा आपको इंडेक्स तो इंडेक्स टेबल तो एक वैल्यू थर्टीन एक वैल्यू थर्टीन के लिए इंडेक्स कितना आ रहा है चार चार वैल्यू आ रही इसकी तो इसका मतलब इंडेक्स थर्टीन की वैल्यू आ गई चार तो इंडेक्स थर्टीन की वैल्यू आ गई चार फिर दोनों साइड चार से डिवाइड कर दिया तो थ्री इंडेक्स एक्सोर टू वन मॉडल फोर अभी आपका अगर ध्यान हो तो फर्स्ट सेक्शन का क्वेश्चन बन गया एक किस्म से आपको वहां मैं बोलता था अगर यहाँ पर कोई लेते हैं में कहीं, के ऐसे ऐसे थे कि अगर यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट मल्टीपल है तो हमारा पहला टारगेट है उस कॉन्स्टेंट मल्टीपल को खत्म करना कैसे खत्म करना हम अपनी मर्जी से एक लेते हैं लेफ्ट साइड में हमेशा जीरो लेते हैं यहाँ पर जो नंबर लेंगे वो फोर का मल्टीपल लेंगे पर इस तरीके से लेंगे कि जब उसको यहाँ इसमें जमा करेंगे जब इसको इसमें जमा करेंगे तो इससे से वो डिवाइड हो जाना चाहिए तो यहाँ के लिए मैंने फोर का मल्टीपल लिया एट एट को जब वन में ऐड करेंगे तो थ्री से डिवाइड हो जाएगा ठीक है ये कॉन्ग्रेंसी सॉल्व करके फिर दोनों को जमा कर दो जब दोनों को जमा करेंगे तो थ्री इंडेक्स एक्स इज इक्वल टू एट प्लस वन इज नाइन इसमें जीरो जमा करके से ये सेम ही रहेगा और ये थ्री आपका ख़त्म हो जाएगा तो कहने का मतलब इस कॉन्स्टेंट मल्टीपल को ख़त्म करने के लिए हम अपनी मर्जी से एक नई कॉन्ग्रेंसी लेते हैं उसका इंडेक्स एक्सिस एक्स कॉन्ग्रेंट थ्री मॉडलो फोर और उसके बाद बीच में स्टेप खा लिए हैं तो यू कैन डू फोर डिवाइड्स इंडेक्स एक्स माइनस थ्री फिर डिजिबिलिटी डेप्शन लगा के इंडेक्स एक्स माइनस थ्री टू फोर टी सो इंडेक्स एक्स इक्व टू फोर टी प्लस टी बिलॉन्ग टू जेड और इंडेक्स लाइज बिटवीन जीरो टू टेन ठीक है जी जीरो टू टेन ही जो सॉरी जीरो टू सिक्सटीन जो ओरिजिनल आपका मॉडलो है ये तो काट के आया ना पर ये इसके लिए हम ओरिजिनल मॉडल यूज करेंगे तो आप देख लो जरा टी की वैल्यू वन टी की वैल्यू जीरो ये थ्री आ गया टी की वैल्यू वन सेवन आ गया टी की वैल्यू टू ग्यारह आ गया टी की वैल्यू थ्री पंद्रह आ गया तो दीज आर द ओनली दोल्यूशन और टी की वैल्यू फोर हम दे नहीं सकते क्योंकि जैसे फोर देंगे तो इससे बढ़ जाएगा तो दीज आर दोर नंबर डेक्स एक्स इक्वल टू थ्री सेवन इलेवन एंड फिफ्टीन अब देख लेते हैं इसके अनुसार इसका इंडेक्स

एक्स थ्री का कन्गोरेंट आ रहा तो इंडेक्स एक्स की थ्री वाली ये आई तो इस थ्री के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी टेन तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ इंडेक्स ये इंडेक्स टू तो इज टू टेन ठीक है जी इंडेक्स एक्स की वैल्यू थ्री तो उसके अनुसार एक्स आ गया टेन उसका इंडेक्स एक्स दूसरा है सेवन तो इंडेक्स एक्स सेवन के अनुसार एक्स कन्गोरेंट आ गया इलेवन के ठीक है उसके बाद इंडेक्स इलेवन इलेवन के अनुसार सेवन तो एक्स कन्वर टू सेवन और इंडेक्स एक्स फिफ्टीन तो फिफ्टीन के अनुसार एक्सिस इज इन टू सिक्स तो ये हमने ये जो चार इंडेक्स निकाले थे चार वैल्यू निकाली थी हमने इंडेक्स की अनुसार हमारे पास एक्स आ गया ये ठीक है एक्स कन्व टू इज टू इलेवन टेबल के अनुसार हिसाब से तो दिस इज द क्वेश्चन उस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं ज़रा सेकंड क्वेश्चन में सेम है बिल्कुल ये आपको दे रखी है ठीक है दोनों साइड इंडेक्स लिया पहले तो चेक करना आपने इसके पास सोल्यूशन है कि नहीं वो आपका काम है आइलर मैथड से चेक करने का तो दोनों साइड इंडेक्स ले लिया इंडेक्स आ गया फिर इंडेक्स टेबल की हेल्प से इंडेक्स एट की वैल्यू टेन इंडेक्स एक्स तो हमने निकालना है इंडेक्स टेन की वैल्यू थ्री पुट कर दी फिर, फिर फाइव इंडक्स एक्सल टू तो माइनस सेवन आ गया फाइव इंडेक्स इक्वल टू नाइन आ गया ठीक है फाइव इंडेक्स एक्स इज कॉन्गोरेंट टू नाइन मॉडलो तो सिक्सटीन जी सी डी ओ फाइव कॉम सिक्सटीन इज इक्वल टू वन सो इट हैजन सोल्यूशन ये आप आइलर क्राइटेरिया से देख लेंगे तो फाइव इंडक्स इज कॉन्गुर मॉडलो सी तो मैंने क्या बोला इस कॉन्स्टेंट को खत्म कर दिया एक अपनी मर्जी से आपने कॉन्ग्रंसी लेनी है इस तरीके से लेनी है कि इस साइड हमेशा जीरो लेनी है यहाँ पर जो नंबर लेना है इट इज़ मल्टीपल ऑफ दिस पर इस तरीके से लेना है कि इसमें जमा करके इससे खत्म हो जाए तो सिक्सटीन प्लस नाइन इज ट्वेंटी फाइव फाइव ट्वेंटी तो फाइव खत्म हो गया तो इंडेक्स एक्स तो की वैल्यू पांच X की लिए पांच ही है. पांच किसकी सारी इस पांच की सारी तो दिस एक्स इज इक्वल टू दिसव मॉडल ठीक है जी तो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करना है इंडेक्स लिया टेबल की हेल्प से इंडेक्स की वैल्यूज लिख दी और उसके बाद आपके फाइनल ये बन गया इंडेक्स एक्स इज टू वन मॉडल टू तो यहाँ पर अब कॉन्स्टेंट है नहीं है तो ये बन गया टू इंडेक्स एक्स माइनस वन तो इंडेक्स एक्स वन प्लस टू टी तो वन प्लस टू टी का मतलब टी की वैल्यू वन टू थ्री देते चलो यहाँ पे तो ये आ गए वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन टी की वैल्यू जीरो टी की वैल्यू वन टी की वैल्यू टू टी की वैल्यू थ्री तब तक देते जाना जब तक कि एक्स की वैल्यू सिक्सटीन से बढ़े सिक्सटीन से कम रहनी चाहिए तो यह आए इंडेक्स एक्स एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ अब इन इंडेक्स एक्स के हेल्प से आपने एक्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ आप जो आपका टेबल था ये जो टेबल था ये जो टेबल है इस टेबल की हेल्प से आपने अब एक्स की वैल्यू निकालनी है फॉर विच इंडेक्स एक्स इज इक्वल टू दिस वो आपको यहाँ पे बना के दे रखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा तो इंडेक्स एक्स की वैल्यू वन के कानूग्रेंट है मतलब इंडेक्स एक्स की वैल्यू वन टेबल में देखनी है आपने इंडेक्स एक्स की वैल्यू वन देखनी है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए आ रही है देखो इंडेक्स एक्स की वैल्यू वन देखो वन कहाँ आ रहा है इंडेक्स तो एक्स की वैल्यू वन ये देखो यार तो किस किसकी वजह से आ रहा है थ्री की वजह से आ रहा है थ्री की वजह से आ रहा है तो उसका मतलब एक्स कन्को टू थ्री ठीक है जी ये देखो एक्स कन्को थ्री उस तरीके से फिर बाकी देखनी है आपने ठीक है उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थ्योरी सेवन की पावर एक्स इज टू कन्वे मॉडलो सेवनटीन इसको चेक करना है कि इसके पास सोल्यूशन है कि नहीं सेम प्रोसीजर दोनों साइड इंडेक्स लिया फिर उसी सेम टेबल से इंडेक्स सेवन की वैल्यू इंडेक्स सेवन की वैल्यू इलेवन इंडेवन की वैल्यू इलेवन इलेवन दोनों साइड से कैंसिल एक्स इज कन टू वन मॉडलो सिक्सटीन और सिंस जी सी डी ऑफ ये इलेवन कामसटी सो इट हैज़ वन सोल्यूशन और वो वन सोल्यूशन इज गिवन गई दिस इक्वेशन एक्स कन्वर टू वन मॉडलो स ट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक आल्सो उसके बाद अब अगला टॉपिक है क्वाडरेटिक रेसिप्रिसिटी लॉ जिसको हम करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच